हेलो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने लिविंग वर्ल्ड ख़त्म कर दिया था और इन टुडेज क्लास वी विल बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के कंपेयर टू भी और हमारे नीट एग्ज़ाम के लिए भी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें ये चैप्टर को अगर आप कंटिन्यूसली रिवाइज नहीं करेंगे, जैसे मैंने आज कोई एक क्लास लिया है, तो आज का जो कंटेंट है अगर आप नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके नहीं आएंगे तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। एंड दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारे डिटेल है, तो अगर आप रिवाइज नहीं करते रहेंगे तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि इसमें एग्जांपल्स बहुत सारा है एंड एग्जांपल्स एक दूसरे से इतने ज़्यादा सिमिलर है कि बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा अगर आप इसे रिवाइज नहीं करेंगे। यू नो वी हैव अ टू काइंड ऑफ मेमोरी, दैट इज़ टेम्प्ररी एंड परमानेंट। टेम्प्रेरी मेमोरी क्या होता है, आप रोड पे जाते हैं, कई सारे लोगों से मिलते हैं, राइट, लेकिन आप नेक्स्ट डे ही उनको भूल जाते हैं क्योंकि आपने सिर्फ उन्हें एक ही बार देखा है। लेकिन आप क्लास में जब आते हैं, पहले दिन आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया है, फर्स्ट डे आए, तो आपसे किसी का इंट्रोडक्शन हुआ तो उसमें से कुछ ही लोगों का नाम आपको याद होता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप रोज़ क्लास में आने लगते हैं तो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप क्लास में एटलीस्ट सबका नाम तो नहीं लेकिन सबको अच्छे से पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनका आपको रोज़ एक्सपोजर हुआ है, यू हैव बीन एक्सपोज टू देम कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से वो टेम्प्रेरी मेमोरी अब क्या बन गई है, परमानेंट। तो सिमिलरली जब तक आप किसी भी टॉपिक को बार बार रिविजिट नहीं करते हैं तब तक वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठता नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिविजन करें, जो भी टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है नेक्स्ट डे जब भी क्लास हो तो आप उसे रिवाइज करके आए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपका लिंक भी बना रहेगा, आपको समझ में भी आएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑल्सो। ओके, नाउ एनिमल किंगडम जो है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और एनिमल किंगडम किससे बना है, 11 फाइलम से। तो वी हैव टू स्टडी होल 11 फाइलम, जिसमें से लास्ट फाइलम जो है वो क्या है हमारा, कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में भी हमें 5 क्लासेस पढ़ने हैं, तो मतलब टोटल वी हैव टू स्टडी अ लॉट ऑफ कंटेंट इन दिस चैप्टर। एनिमल किंगडम बायोडाइवर्सिटी का जो है वो 4th चैप्टर है, ठीक है। 4th चैप्टर में से 2nd वाला जो चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन इन ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो उसमें ये बताया गया है कि कैसे 5 किंगडम बना है, कैसे उनको क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे हम एक थोड़ा सा उनका लिटिल बिट डिटेल पढ़ लेते हैं, बाकी उस चैप्टर का आप पूरा कंटेंट उसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा ही लिंक है तो वो मैं उसको यहाँ पे पढ़ा देती हूँ। बाकी बायोलॉजिक क्लासिफिकेशन का इस चैप्टर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो एनिमल किंगडम जो है, पहले हम पढ़ते हैं कि ये जो हमारा 5 किंगडम वो है वो कैसे बना है। तो 5 किंगडम, इसके सबसे पहले 2 ही किंगडम था और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांट एंड एनिमल दिया था कैरोलस लीनियस ने, ठीक है। तो पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, यहां पे क्या होगा किंगडम और यहां पे क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या उन्होंने क्लासिफाई किया था। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। सो कैरोलस लीनियस, उन्होंने किसको का क्लासिफाई किया था, जितने भी ऑर्गेनिज्म है ही क्लासिफाइड दोज ऑर्गेनिज्म इनटू द प्लांट एंड एनिमल। 2 किंगडम में क्या क्या है, प्लांट एंड एनिमल। देन आता है अर्नस्ट हैकल, अर्नस्ट हैकल ने कहा कि देर आर सम ऑर्गेनिज्म जिनको हम देख भी नहीं पाते, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो उन्होंने उस ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था किंगडम मोनेरा में। किसमें क्लासिफाई किया था, किंगडम मोनेरा में। तो अर्नस्ट हैकल ने क्या क्लासिफिकेशन दिया था, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। कैरोलस लीनियस गेव 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन द ईयर 1735। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन
1860 में। इसमें जो थ्री किंगडम्स था देवर प्रोटिस्टा एनिमेलिया एंड प्लांटे, ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन था। ये प्रोटिस्टा क्या है? प्रोटिस्टा वो किंगडम है जिसमें सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है, इट इज यूनिसेल्युलर। ठीक है, अब कैरेलस लीनियस ने किस बेसिस पे से क्लासिफाई किया था? ही क्लासिफाइड प्लांट के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने उसे बता दिया था कि हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर होता है वहां पे, तो सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने दो किंगडम बनाया था। इन्होंने किसके बेसिस से बनाया था, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? उसके बाद 1956 में फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया था बाय कोपलैंड। तो नेक्स्ट इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। इन 1956 अब कोपलैंड ने क्यों क्लासिफाई किया था? देखो, हमें पता है कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो भी दो तरह का होता है, जैसे बैक्टीरिया एंड अमीबा आप ले सकते हैं। बैक्टीरिया एंड अमीबा में क्या डिफरेंस है? बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है, अमीबा भी यूनिसेलुलर है, बट बैक्टीरिया जो है उसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होता है, मतलब उनका जो भी न्यूक्लियस है वो नेकेड प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, उनके पास सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये बहुत नाइंसाफी हो जाएगी कि आप यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट को एक साथ रखें। तो कोपलैंड ने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया था जहाँ पे उन्होंने प्रोटिस्टा को क्या बोला, यूकैरियोट, जिनके पास क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट है, और वो ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के तो है बट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होता है, उनके लिए अलग से किंगडम बनाया गया, अलग कैटेगरी में रखा गया, जिसे क्या बोलते हैं, मोनेरा। सो नेक्स्ट इज फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे बन गया हमारा मोनेरा। मोनेरा क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। क्या है ये? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। प्रो मतलब बेसिक प्रिमिटिव, और कैरियोट मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम न्यूक्लियस। तो इनका जो न्यूक्लियस क्या है, बेसिक न्यूक्लियस है। बेसिक न्यूक्लियस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए। ठीक है, एंड ये क्या हो गया, प्रोटिस्टा। ये क्या है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यू मतलब ट्रू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस कैसा है, ट्रू न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन, और दे ऑल्सो हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। बाकी का सेम, एनिमेलिया एंड प्लांटे। इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इन द ईयर 1969 बाय आर एच विट्टेकर। आर एच विट्टेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था फाइव किंगडम, जो हम अभी तक पढ़ते हैं। ठीक है, सो 1969 फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया था? आर एच विटेकर। इन्होंने क्यों क्लासिफाई किया था? इन्होंने प्लांट को दो कैटेगरी में बांटा था। फंगाई जो है वो प्लांट से काफी सिमिलर होता है, क्योंकि इसके पास रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है और सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, बट दोनों को एक साथ रखना इट विल बी वेरी ह्यूज नाइंसाफी आप कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन फंगाई जो है अपना खाना खुद नहीं बनाता, इट इज हेटरोट्रॉफिक। वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, होलोजॉइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यस, है ना। हम यहाँ पे लिख सकते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने किंगडम बने? पांच किंगडम, जो अभी तक हम लिखते हैं। मोनेरा तो हमने ऑलरेडी देख लिया था, प्रोटिस्टा,
उसके बाद क्या बना? उसके बाद एनिमेलिया, फंगाई एंड प्लांटे। लास्ट किंगडम कौन सा बना है? फंगाई। तो आर एस विटेकर ने कौन सा किंगडम बनाया है? फंगाई। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट किंगडम मेड इज फंगाई। द किंगडम फॉर्म बाय आर एस विटेकर इज फंगाई। ओके, सो क्यों क्लासिफाई किया था? ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो यही क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी है। ओके, एंड फंगाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मैंने कहा था होलोजोइक, इट इज नॉट, इट इज सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होता है? पहले पचा लेना फिर खाना। फंगाई क्या करता है? वो एंजाइम जो है बाहर बॉडी के इजेक्ट कर देता है, उसके बाद ये उसे खाता है। तो दिस इज हमारा फाइव किंगडम का क्लासिफिकेशन। इनका बेसिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल या एब्सेंस ऑफ सेल वॉल है, देन इनका है सिंगल सेल का है या मल्टी सेल का है। तो उसके बेसिस पे हम ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया से पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कई सारे एनिमल्स आते हैं, उसमें से एक इसका क्लास है प्रोटोजोआ। प्रोटो मतलब बेसिक, जोआ मतलब एनिमल। ऐसा एनिमल जो बेसिक एनिमल है या एनिमल जैसा है। अब उसको एनिमल जैसा क्यों कहा गया है? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो एनिमल की तरह होती है। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोवा जो टॉपिक है वो एनिमल किंगडम का नहीं है। प्रोटोजोवा इज द टॉपिक ऑफ बायोलॉजी क्लासिफिकेशन सेकेंड चैप्टर। क्योंकि सेकेंड चैप्टर के अंदर आप पढ़ते हैं मोनेरा, आप पढ़ते हैं प्रोटिस्टा और आप पढ़ेंगे फंगाई। तो ये जो मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई जो है कहाँ पढ़ेंगे? बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में इन द सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर है आपका किंगडम प्लांटे और फोर्थ चैप्टर क्या है? एनिमेलिया। तो प्रोटोजोआ हम सिर्फ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उनके अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो किसकी टेंडेंसी शो करता है? एनिमल की टेंडेंसी शो करता है, एनिमल जैसे प्रॉपर्टी शोज करता है। इसके अंदर अमीबा आएगा हमारा, पैरामीशियम आएगा, यूग्लिना आएगा, लेशमानिया आएगा। तो ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स है वो किसके अंदर आ जाएंगे? प्रोटोजोआ के अंदर आ जाएंगे। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया फैलाता है, ऑल ऑफ दोज आर। ओके, सो नाउ पुट द हेडिंग प्रोटोजोआ, दैट्स फ्रॉम द चैप्टर। अभी हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। उसमें पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद प्रोटोजोआ। अब ये एनिमल को एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों बोला है? क्योंकि एनिमल की सारी कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं शो करता है, लेकिन एनिमल में क्यों रखा है? क्यों? क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है। किसी भी एनिमल में क्या नहीं प्रेजेंट होता है? सेल वॉल। तो हम इसको इसके लिए एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म में रखे हैं बिकॉज इट डज नॉट कंटेन सेल वॉल। हमें पता है प्लांट मूव नहीं करता है, लेकिन एनिमल क्या करता है? मूव करता है, लोकोमोशन चेंज करता है। लोकोमोशन मतलब क्या होता है? चेंज इन लोकेशन। तो क्या शो करता है? इट शो लोकेशन। अब ये जो यूग्लिनॉइड्स है उसका एक एग्जाम्पल जो है वो है यूग्लिना, जिसका डायग्राम आप इस बोर्ड पे देख रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ यूग्लिना। ये यूग्लिना जो है इसके अंदर प्लांट एंड एनिमल दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। एनिमल की प्रॉपर्टी कौन सी है? इसके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है। और प्लांट की प्रॉपर्टी कौन सी है? इसके पास क्लोरोप्लास्ट है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। इट इज फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। सो वॉट इज यूग्लिना? इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। बिफोर स्टडिंग यूग्लिनॉइड पहले हम देख लेते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हम अभी पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ का पढ़ेंगे या एनिमल किंगडम के सारे फाइलम्स का पढ़ेंगे, उनको हम किस कैटेगरीज में स्टडी करेंगे, क्या क्या टॉपिक हम उनका पढ़ेंगे।
तो कभी भी जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक हम उसका क्या पढ़ेंगे, हैबिटेट। तो हम हेडर्स, ये सब क्या है, इम्पॉर्टेंट हेडर्स हैं जो हम इसके अंडर सारे टॉपिक्स आएंगे। तो पहला चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी एनिमल का हैबिटेट। फिर क्या पढ़ेंगे, उसका हैबिट, मतलब हैबिट मतलब सब इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। उसको बाद क्या पढ़ेंगे, लोकोमोशन। लोकोमोशन शो करता है या नहीं करता है, अगर शो करता है तो कैसे मूव करता है। तो नेक्स्ट इज लोकोमोशन। इसके बाद क्या शो करेंगे पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन। रेस्पायर कैसे करता है। देन एक्सक्रीशन। देन रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस कैसे करता है, सेक्सुअल या एसेक्सुअल, सेक्सुअल में भी कैसे या एसेक्सुअल में भी कौन सा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसके बाद कौन सा, फाइनली एग्जांपल। ठीक है, तो इन सारे हेडर्स के अंदर हम सारे ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे एंड देन उसे क्लासिफाई करेंगे। जैसे यूग्लिनॉइड है, पहला ऑर्गेनिज्म हम क्या पढ़ रहे हैं, यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, यूग्लिना। सो इसका जो यूग्लिनॉइड का सबसे पहला क्या करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या होता है, सबसे फर्स्ट थिंग विच विल बी स्टडिंग इज हैबिटेट। हैबिटेट मतलब होता है कि वो रहता कहाँ है, उसका लोकेशन कहाँ है। तो ये जो इस यूग्लिना का जो हैबिटेट है वो डैम्प सॉइल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, डैम्प सॉइल। सो डैम्प सॉइल, ओके। हैबिट, सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। इसका कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ना ये जो यूग्लिनॉइड है इसका पहले लेबलिंग कर लेते हैं। यहां पे आप जो देख रहे हैं, दिस इज स्टिग्मा। यहां पे आप ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या है ये, वैक्यूल, नॉट फूड वैक्यूल, इट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जो आप देख रहे हैं, ये है क्लोरोप्लास्ट। ओके, ये क्या है उसका, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, न्यूक्लियस। ये क्या है, फ्लैजेला। इसके पास एक छोटा सा और फ्लैजेला होता है, ये पैराफ्लैजेला कहते हैं उसको। छोटा सा फ्लैजेला, एक लार्ज फ्लैजेला होता है, एक स्मॉल फ्लैजेला होता है। ये क्या है, स्टार्च बॉडीज, जिसे पायरेनॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरेनॉइड्स। इसके अराउंड प्रोटीन का थिन लेयर होता है, थिन लेयर ऑफ प्रोटीन। ये जो डॉटेड आप देख रहे हैं, दिस वन, इसे कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं, पेलिकल। सो ये है यूग्लिना का डायग्राम। अब इसके एक एक स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे, एक एक फंक्शन को हम पढ़ेंगे। तो इसके पास जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि इसके पास क्या प्रेजेंट है, स्टिग्मा। तो हैबिट में क्या आ जाएगा, स्टिग्मा। अब स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा प्रिमिटिव एक फोटो रिसेप्टर है, लाइट को डिटेक्ट करता है, लाइट इसके ऊपर फॉल करता है। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या होता है, स्टिग्मा के ऊपर जब लाइट गिरती है तो ये लाइट किसके पास जाता है, ये लाइट जो है रिसेप्टर के थ्रू ये पैराफ्लैजेला की तरफ जाता है। जब पैराफ्लैजेला की तरफ जाएगा, पैराफ्लैजेला उस लाइट के हेल्प से इस यूग्लिना को इस तरह से रोटेट करता है कि क्लोरोप्लास्ट के ऊपर मैक्सिमम लाइट गिरे, क्योंकि जितनी ज़्यादा उस वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज़्यादा उसको एनर्जी मिलेगी, उतनी ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो स्टिग्मा क्या है, स्टिग्मा को आई स्पॉट भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज आई स्पॉट। इट इज लाइट रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ को रिसीव करता है। तो ये क्या है, लाइट रिसेप्टर है, मतलब कि ये लाइट को डिटेक्ट करता है या रिसीव करता है। इट इज़ लाइट रिसेप्टर।
हेल्प इन मूवमेंट ऑफ युगलीना इन डायरेक्शन ऑफ फ्लाइट विद द हेल्प ऑफ पैराफ्लैजेला. फ्लैजेला की वजह से वो क्या करता है, मूव करता है, लेकिन पैराफ्लैजेला की वजह से किसकी तरफ मूव करता है, लाइट की डायरेक्शन मूव करता है, क्योंकि वो फ्लैजेला को गाइड करता है कि लाइट की तरफ मूव हो. ठीक है, तो ये सर क्या है, हैबिट में आ जाता है. उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ाता है, लोकोमोशन, ये अपना मूवमेंट कैसा करता है. इसके पास फ्लैजेला है तो मूवमेंट जो है वो फ्लैजेला के थ्रू करता है, लेकिन ये एक और तरह का मूवमेंट शो करता है जिसे कहते हैं मेटाबोली. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, देन वी विल राइट लोकोमोशन. लोकोमोशन, लोकोमोशन कितने तरह का शो करता है, ये दो तरह का. एक फ्लैजेलार मोशन, जिसके फ्लैजेला की वजह से वो मूव करता है, और एक कहते हैं मेटाबोली. मेटाबोली में वो क्या करता है, बॉडी के स्ट्रक्चर को जैसे अमीबा सुडोपोडिया बना के मूव करता है, ये वैसा मूव करता है. ठीक है, तो एक लोकोमोशन है फ्लैजेलार मोशन, दैट इज इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला. और दूसरा क्या है, चेंज इन बॉडी शेप. इसीलिए इसके पास, क्यों बॉडी का शेप चेंज कर सकता है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, प्रोटीन लेयर है. तो प्रोटीन के लेयर के हेल्प से अगर सेल वॉल होता है, थिक होता, मूव नहीं कर पाता, अपने बॉडी का शेप चेंज नहीं कर पाता, एक पर्टिकुलर ही शेप रहता, लेकिन सेल वॉल नहीं है, इसकी वजह से ये क्या कर सकता है, अपने बॉडी का शेप चेंज कर सकता है और मूव कर सकता है. चेंजेस इन बॉडी शेप एंड शो लोकोमोशन. ऐसा क्यों कर पा रहा है, बिकॉज एज इट डू नॉट हैव सेल वॉल. ये हो गया हमारा लोकोमोशन. नेक्स्ट टॉपिक जो है न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेडर्स के अंदर लोकोमोशन के बाद आप एक और डाल लीजिए न्यूट्रिशन, खाना कैसे खाता है. तो नेक्स्ट विल बी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दिस इज द फोर्थ वन. थर्ड हमारा लोकोमोशन हो गया, फोर्थ क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ये जो युगलीना है, एज आई सेड, इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल. तो इसका न्यूट्रिशन जो है वो दोनों को रिफ्लेक्ट करता है, प्लांट को भी और एनिमल को भी. तो ये जो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है. और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है. ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक. क्या बोलते हैं, मिक्सो, मिक्सो मतलब मिक्स, मिक्स ऑफ बोथ ऑफ देम. अब ये ऑटोट्रॉपिक कब, जब लाइट होगा. ऑटोट्रॉपिक कब, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. क्या शो करता है, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसके पास आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, क्लोरोप्लास्ट. दिस इज क्लोरोप्लास्ट. आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो हेल्प करता है CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए. तो इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट है, और ये भी क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस. सो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इट डज फोटोसिंथेसिस, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. इसीलिए क्या हो गया, ऑटोट्रॉफिक. इन डार्क, जब लाइट अबंडेंट अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है, तब वो क्या करता है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैप्चर कर लेता है और उसे डाइजेस्ट करता है, फिर उसे अपने बॉडी के सरफेस से एक्सक्रीट कर देता है. तो इन डार्क, सो यहाँ पे नोट में आप लिख लीजिए, ऑर्गेनिज्म विच शो
टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज मिक्सोट्रॉपिक. तो ये क्या है? मिक्सोट्रॉफिक है, ठीक है, क्योंकि दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है. लाइट है तो फोटोसिंथेसिस, डार्क है तो हेटरोट्रॉपिक. ओके ना, खाना वो भी हो गया. अब नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? रेस्पिरेशन. ये क्या है? एक प्रोटिस्टा है. यूग्लिनॉइड क्या है? प्रोटिस्टा. दिस इज, यहां पे हम लिख लेते हैं, इट इज प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा क्या होता है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जितने भी है सब के सब रेस्पिरेशन अपने बॉडी के सरफेस के थ्रू करते हैं. क्यों? क्योंकि उनका सारा जो बॉडी है वो एनवायरनमेंट के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होता है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एनवायरनमेंट से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए. तो जो हमारा फिफ्थ है वो है रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन कैसे? थ्रू बॉडी सरफेस. थ्रू बॉडी सरफेस, क्योंकि उनका सारा बॉडी एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है. थ्रू बॉडी सरफेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन. बॉडी सरफेस से करता है, लेकिन क्या टेक्निक यूज करता है? सिंपल डिफ्यूजन का. डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सल्यूट फ्रॉम द हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, डिफ्यूजन आप बहुत सिंपली आप रिमेंबर कर सकते हैं परफ्यूम की बॉटल से. परफ्यूम का बॉटल है, ढक्कन जब तक क्लोज है तब तक आपको परफ्यूम का स्मेल नहीं आता है, लेकिन जैसे ही आप ढक्कन को ओपन कर देते हैं आपको परफ्यूम का स्मेल आने लगता है. ऐसा क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं है. जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं बॉटल के अंदर बहुत सारा परफ्यूम है, सल्यूट ज़्यादा है, तो क्या करेगा? एनवायरनमेंट में जाएगा फटाफट. क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर बिल्कुल नहीं है. और इसे ही क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. दैट इज मूवमेंट ऑफ सल्यूट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन. एनवायरनमेंट में O2 बहुत ज़्यादा है और बॉडी के अंदर CO2 ज़्यादा है, क्योंकि डाइजेशन हो चुका है, मेटाबॉलिक प्रोसेस हो चुका है, CO2 बॉडी में इकट्ठा हो गया है, तो उसको एनवायरनमेंट में जाना इम्पॉर्टेंट है. इसके लिए डिफ्यूजन के थ्रू एनवायरनमेंट का O2 बॉडी के अंदर और बॉडी का CO2 एनवायरनमेंट के अंदर बाय सिंपल डिफ्यूजन. सिंपल डिफ्यूजन मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जब आप ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट पढ़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में तब आपको पता चलेगा डिफ्यूजन अलग अलग तरह का होता है. यहाँ पे जस्ट सिंपल डिफ्यूजन. नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन. हाउ डज इट एक्सक्रीट? यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक वैक्यूल है जो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकता है. अब ये कहाँ प्रेजेंट है? फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट है. फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट है मतलब पानी इसके अंदर आएगा, मतलब कि ये स्वेल हो जाएगा. अब सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, इसकी वजह से ये प्लांट की तरह रेगुलेट नहीं कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वॉल प्रेशर अप्लाई करे. अब पढ़ेंगे इसे ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट के अंदर. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी एक्सेस वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है वो बॉडी के बाहर चला जाए. तो वो कैसे हो सकता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर. तो इसकी बॉडी डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में होता है, तो जैसे गैस अंदर आ रहा था वैसे वाटर इसके अंदर आएगा. जब वाटर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये स्वेल हो जाएगा. अब बहुत सारा वाटर आ जाएगा तो इसका मेम्ब्रेन जो है बहुत स्ट्रेच हो जाएगा और ये बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा. ऐसा ना हो इसको रेगुलेट करने के लिए इसके पास क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. सो एक्सक्रीशन किसके थ्रू करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू करता है. यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सक्रीशन. यहाँ पे पहले लिख देते हैं थ्रू बॉडी सरफेस. थ्रू बॉडी सरफेस एक्सक्रीशन को कैसे करता है? ये बॉडी सरफेस की, मतलब जो भी खाना उसने खा लिया है, डाइजेस्ट कर लिया है, बॉडी सरफेस से कर लेता है. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो है वो मॉस्मो रेगुलेशन में पढ़ लेते हैं. वाटर बैलेंसिंग, आपने पढ़ा होगा कि जैसे हमारे बॉडी में थायरोक्सिन एड्रेनालिन जो हार्मोन है या कुछ कुछ ऐसे हार्मोन है जो किडनी के ऊपर एक्ट करता है, ये सारे जो हार्मोन है वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं. ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है? ऑस्मोलैरिटी का रेगुलेशन. ऑस्मोलैरिटी मतलब होता है सल्यूट अमाउंट. तो हमारे बॉडी में कितना वाटर हम बॉडी के बाहर एक्सपेल करते हैं, यूरिनेशन कब कब होगा, बॉडी का जो भी वाटर का रिक्वायरमेंट है, वाटर बैलेंसिंग है, वो ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर आता है. तो इसके पास जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है उसका क्या फंक्शन है? वाटर बैलेंसिंग. तो सेवेंथ वाला जो हेडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑस्मो रेगुलेशन.
ऑस्मो रेगुलेशन किसकी हेल्प से करता है? थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। और ऑस्मो रेगुलेशन मतलब क्या होता है? वाटर बैलेंसिंग, वाटर बैलेंसिंग विथ हेल्प ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? इट रिमूव एक्सेस वाटर। एक्सेस वाटर क्यों आता है? क्योंकि बॉडी, एज बॉडी इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एनवायरनमेंट, इट एंटर्स में सेल स्वेल्स अप, सेल स्वेल हो जाता है एंड एक्सेस वाटर इज रिमूव थ्रू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड। अब क्योंकि ये बार बार पानी आएगा, क्योंकि हमेशा ये वाटर के प्रेजेंट में ही होता है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को बहुत एनर्जी लगती है इस पानी को बाहर फेंकने के लिए। और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर क्वेश्चन भी आया है कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अराउंड जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट अराउंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। आई राइट इन शॉर्टकट सीवी, which provide energy. ठीक है, लास्ट क्या बचा है हमारा? रिप्रोडक्शन। आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि जो भी युगलीना है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? सेक्सुअली, बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो रिप्रोडक्शन एक बाइनरी फिशन लॉन्ग है तो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन शो करता है। ये बाइनरी फिशन भी अलग अलग तरह का होता है, तो लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। और दूसरा अनफेवरेबल कंडीशन में जब एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो क्या हो जाता है? टेम्परेरली डॉर्मेंट हो जाता है, अपने अराउंड थिक वॉल बना लेता है और उसी के अंदर ये डिवाइड हो जाता है, जिसे कहते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। क्योंकि अगर वो ओपन एनवायरनमेंट में डिवाइड होगा तो हो सकता है कि ये सरवाइव ना कर पाए। तो इन दैट सिचुएशन क्या करता है? थिक हार्ड कवरिंग अपने अराउंड बना लेता है, जिसे क्या कहते हैं? सिस्ट। और जो उसके अंदर वो प्रोटेक्टेड रहता है, तो इट फॉर्म सिस्ट। सिस्ट क्या है? प्रोटेक्टिव हार्ड कवरिंग। ठीक है, फाइनली आखिरी टॉपिक इसका क्या है? एग्जाम्पल। युगलीनॉइड में पढ़ रहे हैं और एग्जाम्पल क्या है इसका? युगलीना। तो एग्जाम्पल इज युगलीना। तो यहाँ पे हमने एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म युगलीनॉइड खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। आप इसे रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू।